नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मराठी अक्षर भारती का पाठ 11। इसका प्रश्न और उत्तर यानी कि स्वाध्याय हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आप लोग को बुक में दिखा देती हूँ कि ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये आपका पाठ है, पाठ 11। इसके नीचे जब आप आते जाएंगे ना, तो यहाँ से आपका स्वाध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसका यहाँ पे मतलब इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आप लोग को दिए जाएंगे, तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का अ है, पक्षी स्थलांतराच्या अभ्यासाच्या वाडे अडक विण्याच्या पद्धतीचा घटनाक्रम लिहा। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है घटनाक्रम, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये लीजिए, हमने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला आ है कि पक्ष्यांच्या स्थलांतराची वैशिष्ट्ये लिहा। तो इसका उत्तर भी बच्चों हमने लिखा हुआ है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। मतलब इसमें इसको, इसमें इसको, फिर इसमें इसको, इसमें इसको। अगला है यहाँ पे कि स्थलांतर करणाऱ्या वेग वेगण्या जातीतील पक्ष्यांचे साम्य घटक लिहा। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है, प्लीज इसको नोट डाउन करो। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे मतलब प्रश्न नंबर 2 है कि फर्क स्पष्ट करा। अभी आपको फर्क बताना है यानी कि डिफरेंस बताना है, ठीक है। दक्षिणे तील हवामान और उत्तरे तील हवामान, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप लोग देख सकते हो, यस आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, चौकटी पूर्ण करा। मतलब ये जो चौकटी है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था, ये देखो, ये चौकटी आपको पूर्ण करनी है। पक्ष्यांच्या स्थलांतराची मूळ प्रेरणा, तो इसमें इसमें क्या आएगा वो बताइए, ये बॉक्सेस में। तो चलो मैं आप लोग को इसका उत्तर दिखाती हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पे, अन्नाचे दुर्भिक्ष ठराविक ऋतुत ठराविक दिशेने झेप घेण्याची ओढ। फिर दूसरे में क्या आएगा, मतलब आ बालकांचे भारतात स्थलांतर होणारे देश जर्मनी। फिर तीसरे में क्या लिखोगे, विमाने रडार यंत्रणा, और जो आपका चौथा है इसमें क्या लिखोगे, हिम काक। फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न नंबर 4, कारणे लिहा। अभी आपको कारण लिखना है, ओ है यहाँ पे कि फक्त एल्युमिनियम एल्युमिनियम चेच वाड़े पंचांचा पायात अडक वतात कारण। तो इसका उत्तर देख लो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। आ है यहाँ पे देखो, हिवाड़ियात पक्षी दक्षिणे कड़े स्थलांतर स्थलांतर करता कारण। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, सूचने प्रमाणे कृति करा, यानी सूचना के अनुसार आपको कृतियां करनी है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे क्या है कि पक्ष्यांना घराकडे जाण्याची चाहूल लागते, या अर्थाचे पाठातील वाक्य शोधा। तो देखो इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, वसंताग वसंत वसंताग माला संगणेश पक्षी अनामिक ओडी ने आपल्या उत्तरे तल्या घरांकडे निघतात। फिर यहाँ पे अगला है आ कि जर्मनी आणि सायबेरिया हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा। तो देखो हमने यहाँ पे इसका प्रश्न तैयार किया हुआ है कि भारतात श्वेत बलाक व बदके कोणत्या दोन देशातून येतात। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी यानी साइबेरिया। फिर यहाँ पे ई है कि वाड़े अडव लेले पक्षी मोकड़े सोडले जातात। अधोरेखित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द वापरून वाक्य पुनः लिया। अब ये जो अधोरेखित यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, अंडरलाइन वर्ड, ये मोकड़े, ठीक है। तो
तो इसका विरोधार्थी आपको चुन करके लिखना है इस वाक्य को फिर से। तो देखिए हमने लिखा है, वाड़े अडग व लेले पंक्षी बंदेस्त ठेवले जात नाहीत। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 स्वमत। इसमें पहला है कि पक्षी निरीक्षणातून पक्ष्यांच्या जीवन पद्धति संबंधी तुमची मते सविस्तर लिहा। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो, इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि तुमच्या मते मानवी जीवन व पक्षी जीवन यांच्यातील महत्वाचे सात धर्म सोदाहरण लिहा। तो इसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, देखो इसके सामने ये रहा इसका उत्तर, लिख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न, अच्छा इसमें अभी और है, ठीक है, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसका आंसर ना थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे दो पेज पे लिखना पड़ा है। पहले आप इतना लिखोगे और फिर बाद में इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसमें वो कंटिन्यू है, अलग अलग नहीं है, आप ऐसा मत समझना अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं, वो इसी में है। देखो पहले इतना लिखोगे, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकेंड पैराग्राफ, प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पक्षी जाए दिगंतरा ही उक्ति पाठाच्या आधारे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसका उत्तर ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न, तुम्हाला पक्षी मित्र बनायला आवडेल काय तुमचे मत सकारण लिहा। तो इसका उत्तर देख लो बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पाठ का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।